हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आपको बताने कि किस तरीके से पूरा वेल्डिंग प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे पॉइंट सेट करते हैं, कैसे वेल्डिंग फाइल और वेल्डिंग पैरामीटर्स ऐड करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिएगा पूरा समझने के लिए। देखिए, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जाना है हमें, आप देख रहे हो ऊपर, जॉब के अंदर। जॉब से फिर जाना है क्रिएट न्यू जॉब के अंदर। क्रिएट न्यू जॉब को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, तब आप जाएंगे जॉब नेम के अंदर। जॉब नेम के अंदर जाकर, जॉब नेम क्या है, जॉब नेम में आपको वो जॉब लिखनी होती है जिस पार्ट की आप वेल्डिंग मार रहे हैं, या उस सेल का नंबर जिस सेल में आप कोई भी, मतलब कि एक तरीके से आपका मन जो करे, जिससे आपको याद रहे कि आपने ये किसका प्रोग्राम बनाया, उस में आपको जॉब नेम लिखना होता है। मैं यहाँ पर RJ लिख रहा हूँ, जैसे मेरा चैनल का नाम है रोबोटिक गाइज। फर्स्ट मुझे क्या करना है, जैसे ही लिख लिया मैंने नाम तो मुझे एंटर करना है, तो ये मेरा नाम ऊपर जॉब नेम पे सेव हो जाएगा। जैसे ही एंटर करेंगे, दोनों जगह से एंटर हो जाता है, या तो नीचे से कर लीजिए या तो आप जो वर्चुअल डिस्प्ले उससे। कमेंट में आपको लिखना होता है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो आपको याद दिलाएं, जैसे कि आपने ऊपर शॉर्ट नेम लिख दिया है F40, तो F40 क्या है, तो लिख दिया जैसे कि कोई सिंगारम वेल्डिंग है या किसी चीज़ की वेल्डिंग है। तो वैसे कमेंट में आप लिख के हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कोई बाहर वाला उसको खोले तो पढ़ के समझ जाए। अब आपको जाना है ग्रुप सेट के, सीधा ग्रुप सेट में। जॉब फोल्डर पे जा सकते हैं, बट जॉब फोल्डर के अंदर ना नहीं रहता है हमेशा, बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज नहीं होता है। ग्रुप सेट के अंदर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, तब आप देखेंगे कि R1 मिलेगा आपको, और जैसे कि जब आपके पास कोई एक्सटर्नल एक्सेस रहेगी तो उसे कनेक्ट कर रखा है आपने, या कॉम्बिनेशन में, ग्रुप कॉम्बिनेशन में, तभी आप उसको ग्रुप सेट को यूज़ कर सकते हैं। और ग्रुप सेट बनेगा कैसे, जब आपके पास मूवेबल कोई फिक्चर है या कोई एक्सेस है अलग से रोटेट करने वाली, जैसे कि मेरे पास दो फिक्चर है S1 और S2, मैंने उसके साथ R1 के साथ ग्रुपिंग करी हुई है अपने रोबोट के साथ, जब रोबोट वेल्डिंग मारेगा तो फिक्चर भी मूव होंगे, तो इसी वजह से मूव मीन्स रोटेट करेंगे। नॉन ग्रुप कर देंगे तो बिना ग्रुप के बन जाएगा, सिर्फ रोबोट आएगा और वेल्डिंग मारकर चला जाएगा। बट हमें क्या रखना है, R1, हम सिर्फ रोबोट से करा रहे हैं, तो जस्ट हमें क्या करना है, फिर प्रेस एंटर करना है। एंटर के बाद फिर हमें क्या करना है, हम सीधा प्रोग्राम फाइल के अंदर आ जाएंगे जो हमें प्रोग्राम बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पॉइंट ऐड करते हैं। पॉइंट ऐड करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जो आपका रोबोट है उसकी होम पोजिशन से उसे इस तरीके से लेके आए, फर्स्ट पॉइंट उसका इस तरीके से ऐड करें कि वो आते वक्त किसी तरह आस पड़ोस के अपने चीज़ से एक्सीडेंट ना हो, उसका एक्सीडेंट ना हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बहुत आराम से, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सेस, क्योंकि आप अजीब तरीके से उसकी एंट्री कर देंगे तो वो ज़्यादा एरिया भी ले सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका रोबोट आएगा तो आते वक्त ही वो लड़ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसे उसकी कम एक्सेस को यूज़ करते हुए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा आगे बाहर ना निकालते हुए, इस तरीके से आपको पॉइंट ऐड करना है। अब सेकेंड पॉइंट, अब मैंने क्या किया हुआ है, देखिए अब मैं आपको सिर्फ जस्ट रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक साथ कैमरा संभालना और फिर आपके लिए वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है। तो क्या करा हुआ है, मैंने पहले लेके आता हूँ रोबोट को, फिर पॉइंट सेव कर लेता हूँ, तो बीच बीच में थोड़ा स्किप टाइप का दिखेगा आपको, तो आप घबराएं ना उसके लिए। जो भी आपको डाउट होगा वो मैं कमेंट में आपके सॉल्व करूँगा, जब कोई प्रॉब्लम आए आपको तो मेरे को डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये मैं मूव एल पॉइंट मैंने बना लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। मूव एल पॉइंट मैंने क्या किया, इसको मैंने पहले से एक पॉइंट पर सेव कर दिया आपको दिखाने के लिए किस तरीके से होम पोजीशन से रोबोट को एंट्री कराई जाती है। देखिए मैं भी आपको रन करके उसे दिखाऊंगा। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें आप, मूव एल यूज़ होता है लीनर वेल्डिंग के लिए, मूव जे यूज़ होता है एयर पॉइंट के लिए, और मूव सी यूज़ होता है सर्कुलर वेल्डिंग के लिए। इसके अंदर एक मूव एस भी आता है, मूव एस रहता है स्प्लाइन वेल्डिंग के लिए। अगर आपके पास कोई सिर्फ कर्व्ड एरिया है वाली वेल्डिंग है, जहाँ पर ना सर्कुलर पॉसिबल है ना ही मूवेल, तो हर जगह ही पॉसिबल रहती है, छोटे छोटे पॉइंट लेके आप करेंगे तो वो कोई भी कर्व वेल्डिंग भी कर सकता है। अब आपने देखा होगा कि ये जो मैंने इसे होम से लेके आया, तो इस तरीके से लेके आया है कि ये आस पड़ोस वाले पॉइंट, आस पड़ोस के एरिया से टकराए नहीं। जैसे ये तो सिर्फ मैंने आपको एंट्री के लिए समझाया, अभी बीच में मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगा बीच में, तो आपको आसानी हो, जिससे मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखा सकूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया। और प्रोग्राम इंसर्ट, जो पॉइंट हम इंसर्ट कराते हो उसको इंसर्ट करने का तरीका है इंसर्ट प्लस एंटर। जैसे आप इंसर्ट प्लस एंटर करेंगे तो आप उस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं,
और मूव जे से मूव एल, मूव एल से मूव सी से मूव एस में कैसे चेंज करते हैं, उसे चेंज करने का तरीका है। नीचे एक सबसे लास्ट में मोशन बटन दिया रहता है, आप उसे प्रेस करेंगे तो आपका डिस्प्ले पर चेंज होता रहेगा। आप देख रहे होंगे इसे मैंने मूव जे में चेंज कर लिया। अब मूव जे लेने की वजह ये रहती है, जो मूव जे एयर पॉइंट की स्पीड जो है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू मूव एल और मूव सी, इसीलिए इसे लेना पड़ इसीलिए हमें इसे चूज़ करना पड़ता है मूव जे को एयर पॉइंट के लिए। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ शिफ्ट इंटरलॉक प्लस टेस्ट स्टार्ट, उस टीच पेंडेंट में मेरे थोड़ा ब्लर टाइप, मतलब उसका ना थोड़ा अजीब सा फटा हुआ है, थोड़ा पुराना टीच पेंडेंट है तो उसमें शो नहीं हो पाया, तो मैंने यहाँ दिखाया। जब आपको प्रोग्राम रन करना है तो उसे रन करने का तरीका रहता है टेस्ट इंटरलॉक प्लस टेस्ट स्टार्ट, आप करेंगे तो आपको प्रोग्राम रन करेगा। अभी एक पॉइंट मैंने बना दिया है वेल्डिंग स्टार्ट करने से जस्ट पहले, तो वो जो वेल्डिंग स्टार्ट करने जस्ट पहले का जो पॉइंट होगा वो हमेशा मूव जे का ही रखें आप, जिससे आपका रोबोट फास्टली आए। अगर आप उसकी जगह मूव एल ले लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट को आप वेल्डिंग के, तो क्या रहेगा आपका रोबोट बहुत स्लो आएगा जिससे साइकिल टाइम पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए हमेशा उसे मूव जे ही लें। और वो जो स्टार्टिंग पॉइंट मूव जे का रहेगा वेल्डिंग पॉइंट पर, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा तो इसे मैंने मूव जे लिया हुआ है, अब यहीं से ही आपकी वेल्डिंग स्टार्ट होगी। तो मूव जे के बाद ही आपको क्या लगाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मूव जे के बाद ही लगाना है, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मूव जे आप लेंगे उस स्टार्टिंग पॉइंट को तो आपका प्रोग्राम जल्दी रन करेगा। देखिए मैंने स्किप करके ये पूरा प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को आपको क्या करना है, मूव जे को लेना है और उसके बाद मूव जे के बाद ही आपको करंट पैरामीटर सेट कर देना है। अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको कि करंट पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। देखिए अभी ये आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, आपने देख पा रहे होंगे मूव जे भी लिया हुआ है मूव एल भी। अभी देखिएगा मैं इसे रफली रन करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है मेरा पूरा प्रोग्राम। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मूव जे का, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट था मूव जे को होम से बाहर लाने का, फिर सेकंड पॉइंट लिया मैंने इस पार्ट पर, तो अब जहाँ से ये मूव जे वाला पॉइंट है उसके जस्ट बाद में टू और थ्री के बीच में एक आर्क कंडीशन जनरेट करूँगा जिस पैरामीटर पे मुझे वेल्डिंग करानी है। तो उसके लिए क्या करना होता है मुझे, कुछ नहीं, जस्ट नीचे एक 8 नंबर बटन है जिस पे लिखा हुआ है आर्क ऑन, उसको प्रेस करना है आर्क ऑन करने के लिए जब आपको वेल्डिंग करानी है जहाँ पर फाइल इंसर्ट करनी है। तो सेट मेथड लिखना है, सेट मेथड पे जाओगे, सेट मेथड पे आप देख रहे होगे अनयूज्ड, अनयूज्ड पे जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा ASF हैश और AC। ASF का मतलब है आर्क स्टार्ट फाइल। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको आर्क ऑफ ऑफ में ये चीज़ सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, अभी मैं मैनुअली लूंगा AC। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक साइड में कांस्टेंट वैल्यू देगा 1 2 3, वो फाइल नंबर है आपके पास के, जितनी फाइल होंगी आप उतनी फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या किया मैंने AC को सेलेक्ट किया, और AC को सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज। वेल्डिंग करंट में क्या रहता है, आपको कोई भी मैनुअली करंट प्रेस कर देना, मैं जैसे मैं 180 प्रेस करने वाला हूँ, यहाँ पर इनपुट डालने वाला हूँ, और वेल्डिंग वोल्टेज में डाल देता हूँ 19, जैसे ये पार्ट की थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है तो उसी हिसाब से वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने इसको, सेलेक्ट करने के बाद नीचे से मैनुअली 19 प्रेस कर दूंगा मैं 1 एंड 9। अब आप देख रहे होंगे उसके नीचे टाइमर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, ये हमारा वर्क का नहीं है, टाइमर लगाने के लिए रहता है कि उतनी देर आप होल्ड करना चाहते हो वेल्डिंग को, और स्पीड रहती है अगर आप वेल्डिंग वहाँ पर स्पीड नहीं डाल रहे हैं तो आप यहाँ पर स्पीड डाल सकते हैं। अभी दिया हुआ है रिट्राई, रिट्राई क्या रहता है, रिट्राई रहता है इसीलिए कि अगर आपका आर्क फेलियर आता है, कोई डस्ट वस्ट या उसकी चीज़ कोई भी ऑयल वेल लगा हुआ पार्ट पर, तो आपको क्या करना है रिट्राई ऑन कर देना, आपका वायर 2-3 बार जाके स्ट्राइक करेगा तो वो डस्ट हटाएगा और आर्क जनरेट कर देगा, इसीलिए रिट्राई रखा जाता है। अगर फाइल यूज़ करते हैं तो फाइल में ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेट रहता है। अभी आपको क्या करना है, उसको एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस करते ही फिर अगेन क्या करना है, इंसर्ट एंड एंटर, कौन से पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट के बाद जो जनरेट कर इंसर्ट कराना है आपको, तो सेकंड पॉइंट पर रखिए अपना कर्सर और फिर इंसर्ट एंटर, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो पैरामीटर आपका वो टू और, अब वो टू और थ्री के बीच में इंसर्ट हुआ तो उसने पॉइंट के लिए, सेकंड के बाद 3 पॉइंट ले लिया। अब जो मेरा आर्क ऑफ आएगा वो देखिए कहाँ से आएगा, वो मैं आपको अभी मैं प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से मैं आर्क ऑफ ले रहा हूँ। देखिए मेरा पॉइंट है मूव जे वाले पॉइंट पर, अब मैं वहीं से
उस प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टार्ट करूँगा। अभी वेल्डिंग नहीं मारे क्योंकि मैं विदाउट वेल्डिंग ऑन करे चला रहा हूँ। अभी देखिएगा पूरा पैरामीटर, ये जो पूरी वेल्डिंग है मूवेल से बनी है, इसीलिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट वेल्डिंग है और लीनियर वेल्डिंग बोलते हैं, एल मीन्स लीनियर, तो लीनियर वेल्डिंग स्ट्रेट वेल्डिंग को ही बोलते हैं, तो इसीलिए। अभी देखिए मेरा प्रोग्राम है और एंड कहाँ हो रहा है, वेल्डिंग यहाँ पर, वेल्डिंग एंड हो रहा है लास्ट पॉइंट पर। तो वेल्डिंग जब एंड हो रहा है लास्ट पॉइंट पर, तो हमें उस लास्ट पॉइंट के बाद ही आर्क ऑफ कराना है। आप उससे पहले कराएंगे तो आपका इनकम्प्लीट वेल्डिंग रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, मूव वेल के हमारा लास्ट पॉइंट जहाँ पर हमारा वेल्डिंग ख़त्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट पर जाकर आर्क ऑफ करा देना है। आर्क ऑफ कैसे कराएंगे, देखिए उस मूव वेल पर जैसे ही मैंने फास्ट प्लस, जैसे कि जो उसके ऊपर लिखा होगा हाई स्पीड, और प्लस जैसे ही मैं फॉरवर्ड दबाऊंगा तो मेरा पॉइंट मूव वेल वाली पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब क्या करना है मुझे आर्क ऑफ कराने के लिए, 5 नंबर प्रेस करना है, देख पा रहे होंगे आप वहाँ लिखा हुआ आर्क ऑफ, और 8 नंबर पर लिखा हुआ आर्क ऑन। तो आर्क ऑफ दबाऊंगा मैं, आर्क ऑफ पे सेम डिस्प्ले ऑन होगी, सेट मेथड, सेट मेथड पे जाके AEF लिखा हुआ है, वहाँ लिखा था ASF, यहाँ AEF, आर्क एंड फाइल, और लिखा हुआ है AC, AC मीन्स मैनुअल, वो मैनुअल पैरामीटर डालने हैं तो आपको। बट आपने जब एक बार वेल्डिंग ऑन करा दिए तो आप जो ऑफ करा सकते हैं वो किसी भी फाइल से करा सकते हैं। अब देखिए फाइल इंसर्ट करी, वो जो मैं पहले बता रहा था आपको 1 2 लिखा हुआ है, तो वहाँ फाइल नंबर है, आपने जितनी फाइल बनाई होंगी आप उसके वो नंबर डाल सकते हैं। सेम करना एंटर, फिर अगेन इंसर्ट, एंटर दबाइए आप। एंटर दबाने के बाद ये आया स्क्रीन पर, इंसर्ट एंड एंटर, फिर 7 नंबर के बाद 8 नंबर आपका इंसर्ट हो जाएगा आर्क ऑफ। अभी देखिए मैं अभी पूरा प्रोग्राम रन करूँगा, पर अब देखिए दो तरीके से वेल्डिंग ऑन होती है, एक टीच में, एक प्ले में, एक रिमोट में। टीच मोड में क्या करना है, नीचे जस्ट एक क्या देगा, वेल्ड ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, जैसे आप उसे प्रेस करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा ग्रीन लाइट के साथ। देखिए ये दिया हुआ वेल्ड ऑन ऑफ, जैसे मैं इसे प्रेस करूँगा तो प्रेस करते देखिए जैसे ग्रीन हुआ मीन्स एक्टिवेट हो गया। अब आप इंटरलॉक प्लस टेस्ट स्टार्ट दबाएंगे तो वेल्डिंग पूरी मारेगा। बट एक और मेथड है प्ले मोड, प्ले मोड में क्या करना है आपको, जस्ट अपनी की लेनी है और प्ले मोड पे करना है। देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, हाँ की लेके आपको क्या करना है, की लेनी है और उसको सीधा प्ले मोड पर करना है। ये मैंने प्ले मोड पे किया और आपको सर्वो पर क्लिक करना है, सर्वो बटन पर ऊपर देखिए ये सर्वो की इंडिकेटर है, और सर्वो को जैसे ही आप प्रेस करेंगे बटन को तो वो ग्रीन लाइट जल जाएगी, देखिए सर्वो ऑन। अब जैसे ही ऊपर ग्रीन बटन में दबाऊंगा स्टार्ट का तो वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर देगा, वाइल्ड बटन है होल्ड करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी वेल्डिंग खराब आ रही है, आउट टीचिंग है तो उसको प्रेस करेंगे। तो देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको ग्रीन बटन प्रेस करके, देखिए देखिए वेल्डिंग मारा ना सेम। अभी ये मैंने रोका किससे, ये रोका मैंने होल्ड बटन को प्रेस करके, जो वाइट बटन है उसके जस्ट बराबर में उसको प्रेस किया तो होल्डिंग दे दी उसने। इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम बनता है, और आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, और आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पर्सनली लगता है आपको कि कभी भी आप मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो आप उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, रोबोटिक गाइज करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रोबोटिक इश्का व रोबोटिक गाइज को, और कोशिश करेंगे कि हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाके देते रहें, और लाइक करना ना भूले वीडियोस को। चलिए बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।